पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ममनुआ फंडिंग केस का फैसला 8 साल बाद सुना दिया गया। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान ने झूठा बयान हल्फी जमा करवाया, 16 अकाउंट्स छुपाए गए। इलेक्शन कमीशन ने तहरीक इंसाफ को शोकॉज नोटिस जारी कर दिया। पीटीआई ममनुआ फंडिंग केस के दरख्वास्त गुजार अकबर एस बाबर ने कहा कि ये केस आई ओपनर है। आजाद इलेक्शन कमीशन ने फर्द जुर्म आयद कर दी है और पीटीआई को शोकास्ट नोटिस दिया है। तमाम इल्जाम साबित हो चुके, वक्त आ गया है कि तहरीक इंसाफ में रिजीम चेंज हो। तहरीक इंसाफ के खिलाफ ममनुआ फंडिंग केस से मुतालिक इलेक्शन कमीशन के फैसले पर रद्द अमल देते हुए मरियम नवाज ने ट्वीट में कहा, कौम को गुलामी से निजात का भाषण देने वाला खुद बैरूनी ताकतों का गुलाम साबित हुआ। मजीद कहा, इमरान खान बैरूनी ताकतों से पैसा लेता रहा और इस पैसे को मुल्क में फितना फसाद के लिए खर्च करता रहा। दूसरों पर गद्दारी का इल्ज़ाम लगाने वाले ममनुआ फंडिंग का जवाब दें। 150 करोड़ रुपए इन ज़राए से हासिल हुए जिनकी इजाज़त नहीं। 8 साल से ये मामला इलेक्शन कमीशन में ज़ेर समात रहा। केस की ताखीर के लिए हर हरबा इस्तेमाल किया, हत्ता कि पीटीआई ने अपनी हुकूमत के दौरान इलेक्शन कमीशन पर दबाव भी डाला। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी की मीडिया से गुफ्तगू। मुस्लिम लीग नून ने फॉरेन फंडिंग केस में इलेक्शन कमीशन के फैसले को इमरान खान के खिलाफ जराइम की तस्दीक करार दे दिया। मरियम औरंगजेब कहती हैं, 13 गैरकानूनी बैंक अकाउंट्स इमरान खान खुद चलाता रहा और उन्हें इलेक्शन कमीशन से छुपाता रहा। आलमी फ्रॉडियों से खैरात के नाम पर पैसे बटोरे और जालसाजी की। सिंध के वजीर इत्तला'आत शर्जील मेमन ने इलेक्शन कमीशन में गलत बयान हल्फी पर इमरान खान को नाहल करार देने का मुतालबा कर दिया। कहते हैं, चेयरमैन पीटीआई ने कौम से धोखा किया मगर उन्हें सादिक और अमीन के झूठे सर्टिफिकेट दिए गए। सूबाई वजीर इत्तला'आत का कहना है कि इमरान नियाजी के दबाव के बावजूद इलेक्शन कमीशन ने किसी खौफ के बगैर आइन के मुताबिक फैसला दिया, उसे खराज तहसीन पेश करते हैं। आज के फैसले ने साबित कर दिया इमरान खान झूठे और चोर हैं। शाजिया मरी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, अगर पीटीआई फंडिंग के खिलाफ आपके पास सबूत हैं तो सामने लाएं। फरा गोगी पर हार डाला जाए तो इमरान खान की चीखें निकलती हैं। इमरान खान ममनुआ फंडिंग से किस बिना पर मुल्क में सियासत कर रहे थे। तहरीक इंसाफ को एक नोटिस जारी हुआ, भरपूर जवाब देंगे। फारूक हबीब कहते हैं कि आज उन लोगों को मायूसी हुई जो तहरीक इंसाफ पर पाबंदी लगने के ख्वाब देख रहे थे। तहरीक इंसाफ को सिर्फ एक नोटिस जारी किया गया, उसका भरपूर जवाब देंगे। इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले को नजरअंदाज किया। फैसले से हमारे मौकिफ की तायद हुई, अब साबित करेंगे। 13 अकाउंट्स भी गैर कानूनी नहीं हैं। सियासी फैसले इलेक्शन कमीशन नहीं अवाम करती है। फवाद चौधरी की मीडिया से गुफ्तगू।
बलूचिस्तान में सैलाब से मुतासर इलाकों में अमदादी कार्रवाइयों में मसरूफ पाकिस्तान आर्मी एविएशन का हेलीकॉप्टर गुज़िश्ता रोज से लापता। हेलीकॉप्टर में कोर कमांडर, 12 कोर समेत 6 अफराद सवार थे। वजीर आजम शहबाज शरीफ का आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से टेलीफोनिक राबता। वजीर आजम ने आर्मी एविएशन के लापता होने वाले हेलीकॉप्टर से मुतालिक मालूमात हासिल की। आर्मी चीफ ने गुज़िश्ता शब से जारी तलाशी कार्रवाइयों से मुतालिक वजीर आजम को आगाह किया। सुप्रीम कोर्ट ने वजीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह नाहली केस में लार्जर बेंच की इस्तदा मुस्तरद कर दी। सुप्रीम कोर्ट ने केस की समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी कर दी। साबिक चेयरमैन नैब जावेद इकबाल को लापता अफराद कमीशन की चेयरमैनशिप से हटाने की सिफारिश मुअत्तल कर दी गई। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की जावेद इकबाल को ओहदे से हटाने की सिफारिश को इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मुअत्तल कर दिया। इंटरबैंक में डॉलर मुसलसल तीसरे रोज सस्ता होने का सिलसिला जारी। अमरीकी डॉलर 238 का हो गया। पाकिस्तान के 7 शहर बलूचिस्तान में सैलाब से मुतासर इलाकों में अमदादी कार्रवाइयों में मसरूफ पाकिस्तान आर्मी एविएशन का हेलीकॉप्टर गुज़िश्ता रोज से लापता। हेलीकॉप्टर में कोर कमांडर, 12 कोर समेत 6 अफराद सवार थे। वजीर आजम शहबाज शरीफ का आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से टेलीफोनिक राबता। वजीर आजम ने आर्मी एविएशन के लापता होने वाले हेलीकॉप्टर से मुतालिक मालूमात हासिल की। आर्मी चीफ ने गुज़िश्ता शब से जारी तलाशी कार्रवाइयों से मुतालिक वजीर आजम को आगाह किया। सुप्रीम कोर्ट ने वजीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह नाहली केस में लार्जर बेंच की इस्तदा मुस्तरद कर दी। सुप्रीम कोर्ट ने केस की समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी कर दी। साबिक चेयरमैन नैब जावेद इकबाल को लापता अफराद कमीशन की चेयरमैनशिप से हटाने की सिफारिश मुअत्तल कर दी गई। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की जावेद इकबाल को ओहदे से हटाने की सिफारिश को इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मुअत्तल कर दिया। इंटरबैंक में डॉलर मुसलसल तीसरे रोज सस्ता होने का सिलसिला जारी। अमरीकी डॉलर 238 का हो गया। पाकिस्तान के 7 शहरों के माहौलियाती नमूनों में पोलियो वायरस की तस्दीक हुई है। वफाकी हुकाम के मुताबिक जुलाई में खैबर पख्तूनख्वा के 4 शहरों में पोलियो वायरस पाया गया, जिनमें पेशावर, बनू, नौशहरा और सवात के सेवरेज सैंपल्स में पोलियो वायरस की तस्दीक हुई। और शहर कायद के बासी हो जाएं तैयार, महकमा मौसमियात ने आज फिर कराची में बादल बरसने की पेशगोई कर दी। कहीं हल्की और कहीं तेज बूंदाबांदी का इम्कान रहेगा। कराची के अतराफ में बारिश बरसाने वाले बादल अभी भी मौजूद हैं।